हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 13 के बीटा टेस्टर के अप्लाई के बारे में। मतलब आपके लोग पायलट टेस्टर के लिए आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो वगैरह, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिससे क्या होगा, आपको जो आपका MIUI 12.5 या फिर आपके लिए MIUI 13 का अपडेट जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मतलब आपको टेस्टिंग के हिसाब से आपको अपडेट दिया जाएगा, पब्लिक में आपके बाद रोल आउट किया जाएगा, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप टेस्टर बनना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर भी नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी चलो अर्बन को वीडियो को स्टार्ट। डेटा खोने की क्षमता रखते हैं तो सिंपली आपको ये स्टार्ट कर देना, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे MIUI ID लिख देने, सिंपली मैं आपको MIUI ID कॉपी कहाँ से करना वगैरह दिखा देता हूँ। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, या फिर आपको यहाँ पे जाना है MIUI अकाउंट में, और यहाँ से आप अपनी MIUI ID को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो यार देख सकते हो, मैंने अपनी MIUI ID कॉपी कर दी। अब आप जाता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा, सिंपली आप अपना EMEI नंबर क्लिक कर दें। सिंपली अगर आपको EMEI नंबर कैसे लेते पता नहीं, तो आपको सिंपली *#06# पे क्लिक करना है। आपको सिंपली यहाँ पे कॉल वैलेस पे जाना है और *#06# पे जाना है। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जाना है आपको, सिंपली यहाँ करना है *#06# कुछ स्टेप से करना है, आपका जो EMEI नंबर है यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो सिंपली आपको EMEI नंबर को पेस्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर आपको यहाँ पे पूछेंगे आपका जो डिवाइस है कौन सा है, Xiaomi का फ़ोन कौन सा है, आपका MI का है, Redmi का है। सिंपली ये जो अकाउंट है मेरा Redmi का 9A डिवाइस में भी अवेलेबल है, बाकी ये मेरे पोको फोन में कर रहा हूँ, ये Redmi के डिवाइस में भी वर्क करेगा। देख सकते हैं Redmi का 9A का अकाउंट ही मैंने इसमें चला रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मेरा Redmi का 9A डिवाइस सिंपली मेरे को नेक्स्ट कर देना है। बाकी आपको यहाँ पे पूछेंगे कौन सा डिवाइस है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपने डिवाइस को ढूंढ लेना है। यहाँ पे मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आपको Redmi 9A डैंडेलियन देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपली नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन से रोम पे अभी रन वगैरह कर रहे थे। सिंपली हम जो है ग्लोबल रन पे देख सकते हैं, MIUI इस पे रोम पे है हम रन कर रहे हैं। अगर इंडिया होते तो इंडिया पे क्लिक करना है, बाकी यहाँ पे इंडियन नहीं है तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको यस पे टैप करके नेक्स्ट पे दबाना है, और देख सकते हैं आप जो है बेटा, मतलब आप पायलट टेस्ट के लिए सक्सेसफुली सिलेक्टेड हो चुके हो। अब यार थोड़े दिनों में लिस्ट वगैरह आएगी, आप सिलेक्ट हो या नो, बाकी तो देखा जाएगा। जब लिस्ट आएगी तब मैं वीडियो आपके लिए जल्द से लेके आ जाऊँगा, तब आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्टेड वगैरह हो या नहीं। बाकी ये जो अकाउंट है मेरा Redmi का 9A डिवाइस में, इसलिए मैंने Redmi का 9A डिवाइस को ही इसमें से कर लिया। बाकी ये देख सकते हैं Redmi का 9A डिवाइस में भी सक्सेसफुल हो चुका है। हमको जो लिस्ट वगैरह सामने निकल के आ जाएगी तब तक मैं आपको बता दूँगा। यार सबसे पहले मैं आपको ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, MIUI टेस्टर रिक्रूटमेंट फॉर ग्लोबल स्टेबल रूम, ठीक है। सिंपली आपको इस रूम को जो है क्लिक कर लेना, ठीक है, लिंक। उसके बाद में आपको देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आएंगे, तो आपको सिंपली इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके जो भी डेटा वगैरह होगा कोई लीक नहीं होगा, आपकी जो आप पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी सबमिट वगैरह करोगे आपको कुछ लीक वगैरह नहीं होगा, ये हमारी गारंटी, ऐसा इन्होंने कहा है। अगर आप एग्री करते हो तो येस दबाइए या फिर नो, सिंपली आपको येस पे दबाना है और आगे चल जाना है। फिर आपको अपनी MIUI ID या फिर MIUI नंबर जो है आपको इसमें लगा देना है। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली आपको लगाता हूँ और दिखाता हूँ। तो सिंपली अगर आप देना चाहते हो तो सिंपली यस पे टैप करना, नेक्स्ट जाना है। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे आप 18 साल से ज़्यादा हो या फिर नीचे हो, तो सिंपली आपको अगर आपको टेस्टर बनना है तो आपको 18+ होना ही चाहिए, या फिर आप नहीं हो तो भी दबा के कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख सकते चौथा, प्लीज़ बैकअप योर डेटा, मतलब आपके जो डेटा उसको बैकअप कर लेना, क्योंकि जो टेस्टर है उसको अपने डेटा को बार बार रिकवर वगैरह खोने की जो है आदत वगैरह होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी एरर वगैरह देखने को मिलता है तो यार कमेंट सेक्शन खाली है, पूरा भर देना। जो भी एरर वगैरह आते हैं मैं कमेंट का रिप्लाई हमेशा करता हूँ, तो सिंपली मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।